झारखंड के स्वास्थ्य विभाग का ये काला सच अब उजागर हो चुका है। राज्य के साथ साथ पूरा देश स्वास्थ्य महकमा की कारस्तानी से दंग है। दरअसल आदिवासी किशोरी के साथ दुष्कर्म कर हत्या कर दी गई। आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को पेड़ से टांग दिया गया। किशोरी 4 माह की गर्भवती थी। उसकी हत्या करने का आरोप अरमान अंसारी नामक युवक पर लगा है। हालांकि इस घटना के बाद राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी कई सवाल उठे हैं। बताया जा रहा है कि जिस किशोरी की हत्या हुई उसकी मां को पहले से कालाजार की बीमारी थी, पर उसे न प्रशासन से और न ही राज्य सरकार से मदद मिली थी। और जितने भी नेता हैं, कहाँ है हमारे स्वास्थ्य मंत्री? जब कुछ हो जाता है तो कालाजार का टीका दिलवाने आते हैं, कहाँ है स्वास्थ्य मंत्री? क्यों नहीं आए अभी तक? लेकिन अब जैसे ही उसकी बेटी लव जिहाद की शिकार हुई, उसके घर में स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची और कालाजार की जांच की। इतना ही नहीं, पीड़ित के घर पूरा का पूरा अस्पताल खोल दिया गया है और तो और मिनरल वाटर भी पहुंचा। साथ ही सरकारी अफसरों की फौज भी जुट गई। लेकिन सवाल उठता है कि ये सब कब तक? महज चंद घंटों के लिए? आखिर ये सब घटना के बाद ही क्यों? लेकिन इससे पहले इस गरीब आदिवासी महिला की सुनने वाला कोई नहीं था। वहीं डॉक्टरों की टीम का क्या कहना है, जरा सुनिए। मुझे कल परसों जो दुमका में घटना घटी थी, तो जिले के उपायुक्त महोदय ने पूरा परिवार और अगल बगल के घर का सबका स्वास्थ्य की जांच के लिए निर्देश दिए थे सिविल सर्जन को। उसी के ब्याप में ये लोग आए हैं और सबका ब्लड टेस्ट कर रहे हैं ताकि कोई किसी भी तरह का रोग से संक्रमित ना हो। अगर कोई संक्रमित है तो उनका तुरंत उपचार किया जाएगा, वो पूर्णतः निःशुल्क। अच्छा, आप लोग यहाँ पर टेस्ट के लिए आए, टेस्ट हो चुकी है? हो रही है। जो लड़की लव जिहाद की शिकार हुई है, उस समुदाय के ज्यादातर लोग जंगल में रहते हैं। ये इतने गरीब होते हैं कि दूर दराज इलाकों में इनकी बेटियां मजदूरी और काम करने जाती हैं। जब देसवा न्यूज की टीम उसके घर पर जा रही थी तो क्या नजारा था, आप भी देखिए वो तस्वीरें। ये वही सड़कें हैं जो उस गरीब आदिवासी महिला के घर जाती है और काफी लंबी दूरी है इस जगह से, उसके घर से वहाँ, उस दूरी का जहाँ वो काम करने जाती थी अपने पेट को पालने के लिए, उस अपने परिवार को पालने के लिए इतनी लंबी दूरी का सफर तय करके जाती थी। इस रास्ते में आपको सिर्फ और सिर्फ जंगल नजर आ रहे होंगे और कुछ कच्चे घर भी दिख रहे होंगे। ये वही रास्ता है, जरा सोचिए, जो उसके घर की ओर जाता है, जो झोपड़पट्टियां आपको दिख रही हैं, ये जो जंगल दिख रहा है, तो सोचिए ये लोग किस तरीके से मजदूरी करके कमा कर अपना घर चला रहे हैं। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जंगल है, यहाँ पर बहुत मुश्किल होती होगी इन्हें अपना घर चलाने में और दो वक्त की रोटी लाने में और फिर पका कर खाने में। आप देख सकते हैं झोपड़ी जैसा घर है, न छत है, बस किसी तरह गुजारा कर रहे हैं ये लोग। जंगल में कहीं कहीं झोपड़ियां बनी हुई थी। वाकई जो तस्वीरें टीम को देखने को मिली उससे पता चलता है कि ये लोग किन हालातों में जीने को मजबूर हैं। कहने को तो झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है, लेकिन आज भी आदिवासियों की ऐसी स्थिति सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करती है। तब जब यहाँ हेमंत सोरेन की सरकार है जो खुद आदिवासी समाज से आते हैं। देसवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें। झारखंड के स्वास्थ्य विभाग पर उठा सवाल। लिखी मुर्मू के घर खोल दिया अस्पताल। लिखी की मां कालाजार से थी पीड़ित। आदिवासी महिला को नहीं मिल रहा था इलाज। लव जिहाद की घटना के बाद जागा स्वास्थ्य महकमा। जी हां, झारखंड के स्वास्थ्य विभाग का ये काला सच अब उजागर हो चुका है। राज्य के साथ साथ पूरा देश स्वास्थ्य महकमा की कारस्तानी से दंग है। दरअसल आदिवासी किशोरी के साथ दुष्कर्म कर हत्या कर दी गई। आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को पेड़ से टांग दिया गया। किशोरी 4 माह की गर्भवती थी। उसकी हत्या करने का आरोप अरमान अंसारी नामक युवक पर लगा है। हालांकि इस घटना के बाद राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी कई सवाल उठे हैं। बताया जा रहा है कि जिस किशोरी की हत्या हुई उसकी मां को पहले से कालाजार की बीमारी थी, पर उसे न प्रशासन से और न ही राज्य सरकार से मदद मिली थी। और जितने भी नेता हैं, कहाँ है हमारे स्वास्थ्य मंत्री? जब कुछ हो जाता है तो कालाजार का टीका दिलवाने आते हैं, कहाँ है स्वास्थ्य मंत्री? क्यों नहीं आए अभी तक? लेकिन अब जैसे ही
उसकी बेटी लव जिहाद की शिकार हुई, उसके घर में स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची और कालाजार की जांच की। इतना ही नहीं, पीड़ित के घर पूरा का पूरा अस्पताल खोल दिया गया है और तो और मिनरल वाटर भी पहुंचा, साथ ही सरकारी अफसरों की फौज भी जुट गई। लेकिन सवाल उठता है कि ये सब कब तक? महज चंद घंटों के लिए। आखिर ये सब घटना के बाद ही क्यों? लेकिन इससे पहले इस गरीब आदिवासी महिला की सुनने वाला कोई नहीं था। वहीं डॉक्टरों की टीम का क्या कहना है, जरा सुनिए। वजह है, कल परसों जो दुमका में घटना घटी थी, तो जिले के उपायुक्त महोदय ने पूरा परिवार और ये अगल बगल के घर का सबका स्वास्थ्य के जांच के लिए निर्देश दिए थे सिविल सर्जन को। उसी के व्याप में ये लोग आए हैं और सबका ब्लड टेस्ट कर रहे हैं ताकि कोई किसी भी तरह का रोग से संक्रमित ना हो। अगर कोई संक्रमित है तो उनका तुरंत उपचार किया जाएगा, वो पूर्णतः निःशुल्क। अच्छा, आप लोग यहाँ पर टेस्ट के लिए, टेस्ट हो चुकी है? टेस्ट हो रही है। जो लड़की लव जिहाद की शिकार हुई है, उस समुदाय के ज्यादातर लोग जंगल में रहते हैं। ये इतने गरीब होते हैं कि दूर दराज इलाकों में इनकी बेटियां मजदूरी और काम करने जाती हैं। जब देसवा न्यूज की टीम उसके घर पर जा रही थी तो क्या नजारा था, आप भी देखिए वो तस्वीरें। ये वही सड़कें हैं जो उस गरीब आदिवासी महिला के घर जाती है और काफी लंबी दूरी है इस जगह से, उसके घर से वहाँ, उस दूरी का जहाँ वो काम करने जाती थी अपने पेट को पालने के लिए, उस अपने परिवार को पालने के लिए इतने लंबी दूरी का सफ़र तय करके जाती थी। इस रास्ते में आपको सिर्फ और सिर्फ जंगल नज़र आ रहे होंगे और कुछ कच्चे घर भी दिख रहे होंगे। ये वही रास्ता है, ज़रा सोचिए, जो उसके घर की ओर जाता है, जो झोपड़पट्टियाँ आपको दिख रही हैं, ये जो जंगल दिख रहा है, तो सोचिए ये लोग किस तरीके से मजदूरी करके कमा कर अपना घर चला रहे हैं। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जंगल है यहाँ पर, बहुत मुश्किल होती होगी इन्हें अपना घर चलाने में और दो वक्त की रोटी लाने में और फिर पकाकर खाने में। आप देख सकते हैं झोपड़ी जैसा घर है, न छत है, बस किसी तरह गुजारा कर रहे हैं ये लोग। जंगल में कहीं कहीं झोपड़ियाँ बनी हुई थी। वाकई जो तस्वीरें टीम को देखने को मिली उससे पता चलता है कि ये लोग किन हालातों में जीने को मजबूर हैं। कहने को तो झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है, लेकिन आज भी आदिवासियों की ऐसी स्थिति सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करती है। तब जब यहाँ हेमंत सोरेन की सरकार है जो खुद आदिवासी समाज से आते हैं। देसवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।